जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दांपत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हम मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म से बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। इस अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको शीघ्र शादी के उपाय बताने जा रहा हूँ। यह जानकारी आपको ग्रह गोचर की स्थिति और प्रकांड पंडित की भविष्य गणना के अनुसार दी जा रही है। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव ग्रह की स्थिति और व्यक्ति के कर्म अनुसार हो सकता है। हालांकि भविष्य गणना में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें, आपके परामर्श और सलाह का मुझे इंतजार रहता है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब यूट्यूब पर पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। अब सवाल पूछने में जरा भी संशय ना रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं को समर्पित है और हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल आपको मार्गदर्शन कराना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा आप ज्योतिष से सलाह के लिए 8521835670 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। इस नंबर पर कॉल अथवा मैसेज कर आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गुरु दक्षिणा जरूर दें। आज की वीडियो में आपको जैसा कि उपरोक्त बातें ऊपर बताई गई है कि शादी, शीघ्र शादी के उपाय बताने जा रहा हूँ, तो आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हाथ देखकर और कुंडली देखकर शादी की गणना की जाती है। शादी कुंडली के सप्तम भाव से जानकारी प्राप्त होती है कि आपकी शादी कब और कहाँ होगी। अगर कुंडली के सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह है तो शीघ्र शादी होती है, अशुभ ग्रह रहे तो शादी में देरी होती है। शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा जाता है, जबकि अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु और शनि को कहा जाता है। तो बुध, गुरु, शुक्र, रवि और चंद्र के रहने पर शीघ्र शादी होती है, लेकिन अशुभ ग्रह रहने पर शादी में देरी होती है। तो ऐसी स्थिति में शादी में बहुत बाधा आती है, तो इसके लिए आप कुछ उपायों को कर सकते हैं। आइए बारी बारी से जानते हैं कि आप मंगल, राहु, केतु और शनि के लिए क्या क्या करें। इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए कौन सा सटीक सी उपाय है जिसको करने से शादी में आ रही बाधा यथाशीघ्र दूर हो जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए बारी बारी से जानते हैं, मंगल के रहने पर क्या करें। तो हनुमान जी की पूजा करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मांगलिक दोष होने पर शादी में बाधा आती है। यह बाधा प्रबल होती है, यानी कि 28 वर्ष के बाद ही शादी होती है। मंगलिक रहने पर मांगलिक लड़के अथवा लड़की से ही शादी करने के विधान है। अगर आप मांगलिक होने के बावजूद अगर मांगलिक लड़के अथवा लड़की से शादी करते हैं तो वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो इसके लिए मांगलिक दोष को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखें, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी को गेहूं के आटे एवं गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और रामायण के बाल कांड का पाठ करें। हालांकि महिलाएं को सिंदूर लगाना अथवा हनुमान जी को स्पर्श करना निषेध है। ऐसे में आप दूर रहकर भी हनुमान जी की वंदना और प्रार्थना कर सकती हैं। विवाह में गुप्त दान। शनि की प्रतिकूल स्थिति से भी विवाह में बाधा आती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि मंगल, राहु, केतु और शनि के रहने पर शादी में देर होती है, तो शनि अगर आपके सप्तम भाव में है तो शादी 30 वर्ष के बाद ही होगी। अगर शनि प्रबल है तो 32 वर्ष की उम्र में शादी होती है। ऐसी स्थिति में ज्योतिष हमेशा शनि दोष निवारण की सलाह देते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी उपाय है जिसे करने से शनि के दोष यथाशीघ्र दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में विवाह में गुप्त दान का विधान है, यानी कि ऐसी कोई भी दान की प्रक्रिया है जो गुप्त तरीके से की जाती है, उससे शनि की बाधा दूर हो जाती है। शनि की बाधा को दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना चाहिए। शनिवार को काले कपड़े में साबुत, उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करने से भी लाभ मिलता है। इस दिन काले कपड़े पहने और तामसी भोजन का त्याग करें। इस दिन किसी से वाद विवाद से बचें। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम और खुशहाली आएगी और आपके शादी के योग बनने लगेंगे। अगर किसी कन्या की शादी हो रही है तो उसमें अपनी क्षमता एवं श्रद्धा के अनुसार गुप्त दान करना भी बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी आपके आस पड़ोस में किसी लड़की की शादी लग चुकी है और तय हो चुकी है और शादी हो रही है, तो उस शादी में
अपनी क्षमता अनुसार उनके माता पिता को गुप्त दान करके आर्थिक मदद दे सकते हैं। आर्थिक के बदले आप वस्तु का भी दान कर सकते हैं, हालांकि इसका जिक्र किसी से ना करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है तथा शादी के योग भी बनने लगते हैं। शादी के बाद भी दान की चर्चा किसी से ना करें। कन्या की शादी में गुप्त दान करने से शनि एवं राहु के कारण विवाह में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। अगर ऐसा आपके जीवन में लग रहा है कि आपकी शादी में देरी हो रही है तो आप गुप्त दान अवश्य करें। पीला खाएं पीला पहने। जैसा कि आपको बताया गया है कि लड़कियों के विवाह में देरी के कारक गुरु हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु दोष निवारण उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु को विवाह का प्रमुख कारक माना गया है। गुरु की स्थिति अनुकूल होने पर शादी शीघ्र हो जाती है, प्रतिकूल होने पर शादी में बहुत देरी होती है। गुरु को अनुकूल बनाने के लिए गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें, पीले चीजों का सेवन करें, जबकि इस दिन गुरुवार का व्रत जरूर करें। खासकर लड़कियां गुरुवार का व्रत अवश्य। इस दिन प्रातः काल में केले के पौधे में अर्घ देना है जल का। जब तक आप अर्घ न दे दे तब तक आपको मौन व्रत धारण भी करना है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु मजबूत हो जाएगा और आपकी शादी के योग बनने लगेंगे। इसके अलावा आप इस दिन चने की दाल, केला, हल्दी एवं केसर का सेवन जरूर करें। रात्रि में हल्दी दूध जरूर पिए, केले का सेवन भी कर सकते हैं। जल्दी विवाह के टोटके आइए अब जानते हैं। तो माना जाता है कि घर में जब किसी की शादी हो रही है तब दूल्हे का सेहरा अपने सिर पर बंद रखने से कुंवारे लड़के की शादी हो जाती है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कुंवारे हैं और आपकी शादी नहीं हो रही तो आप दूल्हे के सेहरा को अपने सिर पर रख लें, ऐसा शादी में आ रही बाधा दूर हो जाती है। जल्दी विवाह के टोटके। माना जाता है कि घर में जब किसी की शादी हो रही है तब दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखने से कुंवारे लड़के की शादी जल्द हो जाती है। कन्या को दुल्हन से सिर टकराना चाहिए, यानी कि घर में जब किसी लड़की की शादी हो रही है तो अन्य लड़की के सिर को कन्या से टकराना चाहिए, जिससे कन्या की शादी में आ रही बाधा दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर शादी में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो रात में तांबे के पात्र में जल भर विष्णु भगवान के समीप मूर्ति अथवा तस्वीर के सामने उस जल को रख दें। सुबह प्रातः काल में उस पात्र को लेकर खुले आकाश में चौराहे पर जाएं, उस पानी से अपने सर को धो लें और वापस पात्र को भगवान के सामने ही आकर रख दें। इस बीच अगर कोई टोकता है तो कुछ न बोलें। एक महीने तक ऐसा करने से विवाह के योग मजबूत हो जाते हैं और शादी शीघ्र हो जाती है। यह उपाय लड़का अथवा लड़की दोनों के लिए है। युगल भगवान की पूजा करें, तो कभी भी अकेले शिव, राम या कृष्ण जी की पूजा नहीं करें। ऐसा देखा गया है कि आप पूजा करने के दौरान यह ख्याल नहीं रख पाते हैं कि आप अकेले में अथवा युगल में देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। तो ईश्वर की पूजा करें, तो अकेले में कभी भी शिव जी, राम जी और कृष्ण जी की पूजा नहीं करें। शिव माँ पार्वती को साथ में, कृष्ण राधा जी के साथ में मूर्ति, और राम जी जब यानी कि माता सीता के साथ हो तभी उनकी पूजा करें। इसके लिए आप मूर्तियां भी बाहर से खरीद कर अपने घर में रख सकते हैं और उनके युगल जोड़ी की ही पूजा करें। विवाह में देरी से बचने के लिए शिव पार्वती, राम सीता अथवा कृष्ण राधा की युगल मूर्ति आप जिन देवी देवता की पूजा करते हैं, यानी कि अगर शिव पार्वती माँ की पूजा कर रहे हैं तो आप पूजा करने के पश्चात उनके चरण की धूल अपने सिर पर लगाएं। ऐसा करने से शादी में आ रही बाधा दूर हो जाती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ही लें। अगर इसके अतिरिक्त आप इनको मानते, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इससे पहले आप नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से जरूर संपर्क करें। इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं, आपको यथाशीघ्र पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। आप इसके अलावा कुंडली भी केपी की वाणी से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई विशेष शुल्क नहीं लिया जाएगा, बल्कि गुरु दक्षिणा में आप जो आपकी जो इच्छा हो वो देकर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। इसके लिए आप kpkiwani@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप 8521835670 व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेज कर कुंडली बनवा सकते हैं और अपनी भविष्यवाणी जान सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव तब संभव है जब आप अपनी निजी जानकारी कुंडली अनुसार पाते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी कृपा बनी रहे। माता रानी आपको ढेर सारी खुशियां दे और खूबसूरत सी दुनिया दे। माता रानी की कृपा से आपकी शीघ्र शादी हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा।
तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, माता रानी कृपा बनाए रखें। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।